नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा उल्लू के तंत्र कि उल्लू से कौन कौन से तंत्र किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वशीकरण के लिए किए गए उपायों में उल्लू के पंख की राख को कस्तूरी के साथ घिसकर शरीर पर लगाने से अचूक परिणाम मिलता है। इसके अतिरिक्त यदि किसी उल्लू की बलि और सिद्धि के बाद उसका सूखा मांस खिला दिया जाए तो वह काफ़ी विचलित हो जाता है और उसकी शांति भंग हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला टोटका। उल्लू के रीढ़ की हड्डी को केसर, कस्तूरी और कुमकुम के साथ घिसकर बनाए गए मिश्रण का तिलक वशीकरण के लिए उपयोगी है। इसे लगाकर रूठी पत्नी को मनाया जा सकता है या प्रेमिका को वशीभूत किया जा सकता है। अगला टोटका। उल्लू की विष्ठा पान में रखकर यदि दुश्मन को खिला दिया जाए तो वह परास्त होकर हार मान लेता है। ठीक है दोस्तों, अगला टोटका। उल्लू और कोई की विष्ठा गुलाब जल में मिलाकर बनाए गए तिलक को माथे पर लगाकर किसी स्त्री के सामने जाने पर वह वश में आ जाती है। वह स्त्री इस कदर सम्मोहित हो जाती है कि वो अपना सब कुछ न्योछावर करने को आतुर हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसका गलत उपयोग बिल्कुल ना करें। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम को बनाने के लिए यदि कोई विवाहिता दीपावली की रात उल्लू के नाखून को सिंदूर के साथ लाल कपड़े में लपेटकर बाह में बांध ले या फिर उसे अपनी श्रृंगार के बक्से में रख ले तो पति का सम्मोहन उसके प्रति बढ़ जाता है। ऐसा करने से परिवार में मतभेद भी दूर हो जाते हैं और अतः आर्थिक स्थिति में मजबूत आती है। अगला टोटका। धन की प्राप्ति के लिए उल्लू की तस्वीर लगाने और उसकी दीपावली की शाम पूजा करने का शुभ परिणाम आता है। धन रखे जाने वाले स्थान या तिजोरी में उल्लू की तस्वीर रखना एक साधारण टोटका है, लेकिन इसे आर्थिक लाभ के अवसर बने रहते हैं। उल्लू के पंख को अपने सामने रखकर ओम उल्लू काणा विदेश्य फट का 1001 बार जाप के बाद उसे जिस घर में फेंक दिया जाए वहाँ विदेशणा होती है। वो शत्रु को दूर करने के लिए यह किया जाता है। यदि आप दोस्तों और भी कुछ उल्लू के टोटके या कोई भी ऐसी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे या मुझे कॉल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कुछ चीज़ें मैं इसमें गुप्त रख रहा हूँ जो कि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ताकि जो पाखंडी या जो गलत लोग होते हैं इसका दुरुपयोग ना कर सके। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आप लाइक तो बिल्कुल नहीं करते, ठीक है दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। तो धन्यवाद, नमस्कार।